हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने दादाजी और दादी का हैंड कास्ट मोल्डिंग का कुछ सोचा है, तो ये मैंने एक किट मंगवाया है। इसके अंदर अभी तो मैंने इसको खोल लिया है, ये कास्टिंग पाउडर आया है और ये मोल्डिंग पाउडर है, और एक इसमें ये कलर का आया है और ये ब्रश आया है। तो पहले सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे और ये मोल्डिंग पाउडर को मोल्ड करके इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो बनाते हैं, चलो। पानी डालू ना? आजा बेटा, थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। हार्ड हो गया ना ये? इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, छोटे लम्स तो चल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे कि बड़े लम्स नहीं हो सकते इसमें, वो थोड़ी दिक्कत कर जाएंगे। तो अब मोल्डिंग पाउडर का जो पेस्ट है उसमें दादाजी और दादी जी के हाथ डिप कर देंगे, और अब इनको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल यहीं पे स्टेबल रखना है। और मैं यही समझा रही थी इनको कि इनको हिलाना मत, अभी थोड़ी देर के अंदर ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा, तब इनको सेफली धीरे धीरे हाथों को बाहर निकाल लेना है। अब जो कास्टिंग पाउडर का हमने मिक्सचर तैयार किया है, उसको जो हाथ बाहर निकाले थे वहाँ जो स्पेस बन गया है हाथों का, उसमें ये कास्टिंग पाउडर का जो मिक्सचर अपन ने तैयार किया है उसको इसके अंदर भर देंगे। पूरा इसको फुल ऊपर तक के फिल कर देना है और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ये थोड़ी देर के अंदर सूख जाएगा और ये ऊपर सरफेस पे टच करने पे पता चल जाएगा कि ये सूख जाएगा। उसके बाद अपन को इस बर्तन से इसको बाहर निकालना है, तब तक के इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और अब देखते हैं, ये पूरा हार्ड हो चुका है, तो अब इसको निकालते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। तो बंद कर, निकलवा देना ही। इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में। अब जो भी ये मोल्डिंग वाला लगा हुआ है चारों तरफ, उसको पूरे को रिमूव कर देना है, और हल्के हल्के हाथों से इसको पूरे को रिमूव कर देना है। ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इसको रिमूव करना। तो इसको पूरे को हटा देंगे और अब देखते हैं। ये बाहर निकाल के तैयार हो गया है। ये तो है दादाजी का हाथ और ये इस तरफ से है दादी का हाथ। दादी जी ने थोड़ी सी उंगली हिला दी थी, तो इसमें थोड़ी सी ये क्रैक है। इस पर कलर करके मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये है दादी का हाथ और ये है दादाजी का हाथ। ये दादाजी के हाथ के मैंने गोल्डन कलर करने का सोचा है, और दादी के हाथ के अलग कलर करने का सोचा है, क्योंकि इनकी उंगलियां मिक्स है। तो फिर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये दादाजी के हाथ का कलर तो कंप्लीट हो चुका है, और अभी ये मैं दादी के हाथ के कलर कर रही हूँ। मैंने अलग अलग कलर किया ताकि ये फिंगर्स ऐसे क्लियर दिखे। ये दादी जी का हाथ है और दादाजी का हाथ कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट कर दिया है मैंने। ये दादी जी के हाथ के मैंने अलग कलर किया है, और ये है दादाजी का हाथ, इसके मैंने अलग गोल्डन कलर किया है, क्योंकि ये बीच में से एक फिंगर आ रही थी उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा ओवरलैपिंग सा दिख रहा था। और ये स्टैंड इसी से बन गया हमारा, ये एक्सीडेंट था बट अच्छा बन गया ये। आपको क्या नहीं करना है ये करते टाइम, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि जब मोल्डिंग पाउडर को आप मिक्स कर रहे हो तो उसको बस तुरंत मिक्स करो, वो ऑलमोस्ट 60 to 70 seconds के अंदर वो सेटल हो जाता है पूरा। तो उसके बाद अगर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करी तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो हमने कर दी थी तो ये इसलिए इतना क्लियर नहीं बना, बट सही बना है, अच्छा बना है। बट मैं जो भी इस वीडियो के आगे इसको देख के जो आगे बनाने वाले हैं उनको ये मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब भी आप उसके अंदर हैंड को डिप कर रहे हो, तो उसको कभी भी जो बर्तन जिसमें अपन ले रहे हैं मोल्डिंग पाउडर जिसमें भी डाल रहे हैं, उसके बॉटम तक कभी भी फिंगर को टच नहीं करना, क्योंकि वो फिर है ना उसमें छेद हो जाता है और वो नीचे जाके लीक करने लग जाता है वो बर्तन के अंदर। तो फिर इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां भी वो बॉटम आ रहा है बर्तन का, उसके टच नहीं होनी चाहिए फिंगर। जैसे दादी की ये वाली फिंगर टच हो गई थी, तो उसकी वजह से वो लीक होके हमको ये बेस मिल गया इसका।
और इसमें मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो मैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं, बाकी आपको जो सही लगे। चलिए इस पे दादी जी का रिएक्शन चेक करते हैं। बैठी हो, देख देखा, अब देख दादी को थोड़ी सुनने में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से दादाजी का कौन सा हाथ है और दादी जी का कौन सा हाथ है। कसोक लागो तन, कसोक लागो, क्या ना कसोक लागो, अच्छा है ना। तो चलिए अब दादाजी के रिएक्शन भी ले ले। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं किस किस को ये वीडियो अच्छा लगा, किस किस को मैंने जो मेमोरी मेरे दादा दादी की हमेशा के लिए सेव करके रखी है, किस किस को ये आइडिया अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइज़।